नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। पिछले सप्ताह में होली का एक फेस्टिवल था जो हमें संदेश देता है कि आपसी दुश्मनी को हटाकर हम कैसे सौहार्द और प्रेम की भावनाएं लोगों के बीच में जागृत कर सकते हैं। होली का से रिलेटेड मैंने कुछ उपाय भी बताए थे, जिसमें धन धान्य की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, बिजनेस को किसी ने बांधा है उसकी प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल रेगुलर राशिफल और राशि के उपाय जो मैं बताता हूँ उसके अतिरिक्त है। आशा करता हूँ आपने मेरे बताए हुए वीकली रेमेडीज़ और होली का से रिलेटेड उपायों को फॉलो किया होगा। सप्ताह अच्छा रहा होगा। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। तुला राशि के बारे में। तुला राशि का स्वामी है शुक्र। शुभ रत्न है हीरा। शुभ रुद्राक्ष है 6 मुख रुद्राक्ष। शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। सप्ताह कमाल का रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्नचित रहेगा। आमदनी में वृद्धि हो सकती है या फिर कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के भी आसार हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभकारी रहेगा। सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। कामयाबी आपके साथ रहेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। लव लाइफ आपकी रोमांचक हो सकती है। परिवार में सभी आपका सहयोग देंगे। दोस्तों का साथ मिलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको तालमेल बनाकर रखना है। सेहत के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा। तो देखा जाए सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों के लिए माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएगा। माता को खीर का भोग लगाना लाभदायक रहेगा। काले रंग की गाय की सेवा करना, दही से स्नान करना लाभकारी होगा। गले के अंदर अनंत मूल की जल को धारण करना शुभकारी रहेगा। मंगलवार के दिन रक्तदान करें। मंगलवार के दिन बगीचे या मंदिर परिसर में अनार का पौधा लगाएं। प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ को बिना छुए आपको जल को चढ़ाना है। काले रंग की चींटियों को रोजाना चीनी खिलाएं। कुष्ठ रोगियों की सेवा करें। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी दें और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करें। यदि ये उपाय इस राशि के जातक करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। कुछ उपाय काफ़ी कॉमन हैं जो हर एक राशि को जातकों को करना, तो मेन फोकस है कि आपको अपनी जो फेवरेबल प्लानेट हैं उनको आपको मजबूत करना है। जो आपके अनफेवरेबल प्लानेट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको दान करना है। जहाँ पे राहु केतु और शनि, जनरली शनि के बारे में तो नहीं कहेंगे बट राहु और केतु जनरली नेगेटिव कार्य करते हैं। शनि जिसके लिए फेवरेबल होते हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल होते हैं। शनि एक न्यायप्रिय प्लानेट है। उनसे रिलेटेड चीज़ों का यदि आप हमेशा जो हमें पालन करना चाहिए, जो उन्होंने जो न्यायप्रिय हैं, अगर यदि आप सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हैं, माता के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, यदि आप डेली कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, आप अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, अपनी इनकम में से कुछ चीज़ें दान दक्षिणा में लगाते हैं, तो उनसे शनि महाराज हमेशा प्रसन्न रहते हैं। राहु और केतु हमेशा एक नेगेटिव प्लैनेट की तरह कंसिडर किया जाता है। उनसे रिलेटेड चीज़ों को आप यदि दान करते हैं तो आपको उनके नेगेटिव इम्पैक्ट से मुक्ति मिलती है। तो यदि ये उपाय डिफरेंट राशि के जातक जो मैंने बताए हैं, यदि ये रेगुलरली रिलीजियसली आप करते हैं तो आपका सप्ताह और आने वाले हर सप्ताह आपके लिए अच्छा समय रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह और आने वाले हर एक सप्ताह आपके लिए शुभकारी रहे, कल्याणकारी, मंगलमय रहे। मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।